झारखंड में लंबे समय से खाली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर जल्द नियुक्ति करने, राज्य में चल रही सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में सफर कराने सहित महिला सशक्तिकरण को लेकर नई सोच के साथ बुधवार को राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन के अध्यक्ष आरती बेहरा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में लंबे समय से महिला आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है, जिससे राज्य की हजारों पीड़ित महिलाएं इंसाफ के लिए आयोग का दरवाजा खटखटा रही हैं, लेकिन उन्हें ना तो इंसाफ मिल पा रहा है और ना ही उनकी समस्या सुनी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड में भी सरकारी बस सेवा महिलाओं के लिए किया जाए, ताकि सूबे की जरूरतमंद महिलाएं आसानी से अपना सफर तय कर सकें। वहीं उन्होंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के क्रम में स्काई ऑटो की शुरुआत किए जाने की मांग की। कुछ महिला उत्थान के लिए बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। अभी जैसे महिला आयोग अभी खाली है, जिसके चलते महिलाओं का केस नारी शक्ति में बढ़ रहा है। पति पत्नी सास बहू लड़का लड़की बहुत अत्यधिक केस आता है, घर बसाने वाला, जमीन जायदाद लड़ाई, थाना से ज़्यादा मेरे पास लोग पहुंचते हैं। ऐसे में महिला आयोग होना जरूरी था, पर महिला आयोग ने गठन नहीं किया, तो नारी शक्ति ने उचित कदम उठाते हुए नारी शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी मैंने डोली कुमारी को दे दिया और मैंने नई टीम अपना गठन किया। साथ में आज बिहार का भी टीम को मैंने गठन किया। तो ऐसे में नारी शक्तिकरण को लेकर, बढ़ते कदम को लेकर सरकार से मेरे मांग रहेगी कि जितने भी सरकार झारखंड से बस सेवा चलती है सरकारी बस, उसको सिटी बस का भाड़ा माफ़ हो, और जो लंबा बस चलती है उसको सरकार आधा ले सरकारी बस में, और आधा भाड़ा खास करके महिलाओं के लिए माफ़ करे। महिला उत्थान के लिए सरकार बात करती है और ये चीज़ बिहार में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं महिला उत्थान के लिए सरकार कहती है कि मैं महिला उत्थान के लिए काम नहीं करता हूं, आज महिला उत्पीड़न का केस सबसे ज़्यादा झारखंड में पड़ा हुआ है। कोर्ट्स में लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के आदमी बाल पक जा रहा है, पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में महिलाओं को न्याय मिलनी चाहिए, गरीब जरूरतमंदों को न्याय मिलनी चाहिए। इस दौरान राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का भी पुनः चयन किया गया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।